नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है और मैं हूं दिनेश शर्मा। वाराणसी दक्षिण विधानसभा सीट को यूपी की सियासत में काफी अहम माना जाता है। ये विधानसभा सीट उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में आती है। यहां सातवें फेज में 7 मार्च को वोट डाले जाएंगे। इस बार यहां बीजेपी के नीलकंठ तिवारी, कांग्रेस की मुदिता कपूर, सपा उम्मीदवार किशन दीक्षित और बीएसपी के दिनेश कसोधन गुप्ता के बीच मुकाबला है। 1952 के चुनाव से लेकर 1967 तक इस सीट पर कांग्रेस का कब्जा रहा। 1969 और 1974 में जनसंघ ने जीत दर्ज की। 1980 और 1985 में दो मौके आए जब कांग्रेस के कैलाश टंडन और डॉ. रजनीकांत दत्ता जीते। इसके बाद से दक्षिण सीट पर 1989 से पूरी तरह से बीजेपी का कब्जा हो गया। 1989 से 2012 तक लगातार 7 बार बीजेपी से श्याम देव राय चौधरी चुनाव जीते। इस विधानसभा सीट पर साल 2017 के मुकाबले की बात करें तो यहां बीजेपी ने जीत का परचम लहराया। बीजेपी के डॉक्टर नीलकंठ तिवारी ने कांग्रेस के राजेश मिश्रा को 17,226 वोटों के अंतर से मात दी। बीजेपी के डॉक्टर नीलकंठ तिवारी ने 92,560 वोट हासिल किए और कांग्रेस के राजेश मिश्रा को 75,334 वोट मिले। बीएसपी के राकेश त्रिपाठी 5,922 वोट लेकर तीसरे नंबर पर रहे। कुल वोट प्रतिशत 51.76 रहा। इस विधानसभा क्षेत्र में कुल वोटर 316,328 है। इनमें पुरुष वोटर 174,184 और महिला वोटर 142,113 हैं। वही थर्ड जेंडर वोटर्स की संख्या 31 है। जातिगत समीकरण की बात करें तो यहां ब्राह्मण वोटर 80,000, मल्लाह 60,000, बनिया 50,000, मुस्लिम 40,000 और बंगाली वोटर 35,000 हैं। इस सीट पर इस बार हो रहे सियासी रण में सभी उम्मीदवार और राजनीतिक दल पूरे दमखम के साथ मैदान में उतरे हैं। वोटर्स को लुभाने के लिए कई तरह के दावे और वादे किए जा रहे हैं। इलाके में विकास की गंगा बहाने की बातें कही जा रही हैं। उम्मीदवार और पार्टियों के कार्यकर्ता घर घर पहुंचकर वोटर्स से अपने अपने पक्ष में मतदान की अपील कर रहे हैं। लेकिन इस विधानसभा के वोटर इस बार के चुनावी रण में किस पर भरोसा करते हैं, किसके पक्ष में मतदान करते हैं और कौन यहां से चुनाव जीतकर विधानसभा में पहुंचता है, ये सब 10 मार्च को नतीजों वाले दिन हम सबके सामने होगा। इस खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। ताजा अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।